अगर सुबह का देशद्रोही शाम को भाजपा में जुड़ जाए तो उसे देशभक्त कहते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, हार्दिक पटेल ने 16 दिसंबर 2016 को ये बात ट्विटर पर लिखी थी, जिसे अब डिलीट किया जा चुका है। हार्दिक पटेल को मोदी और बीजेपी के खिलाफ लिखे ऐसे कई ट्वीट को डिलीट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी। कई लोगों को इस काम पर लगाया गया होगा, क्योंकि वो अब भाजपा में जाकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले चुके हैं, वो अब देशभक्त हो चुके हैं। 30 दिसंबर 2017 को उन्होंने ही लिखा था कि भाजपा में सही लोगों को सम्मान नहीं मिलता, जो मोदी अमित शाह के पैरों की जूती बनकर रहता है उनको आगे किया जाता है। लेकिन आज उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये तो नहीं बताया कि वो अमित शाह की जूती बनकर रहेंगे या फिर उनके स्पोर्ट्स शू रहेंगे। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो भाजपा के छोटे से सिपाही बनकर रहेंगे। हार्दिक पटेल अब भाजपाई हो गए हैं और मरते दम तक बीजेपी का विरोध करने की बात करने वाले हार्दिक अब बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, मोदी जी को ग्लोबल लीडर बता रहे हैं। राष्ट्रना हित माटे माननीय नरेंद्र भाई होय, अमित भाई होय, जेपी नड्डा साहेब होय, गुजरात ना लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई होय के सीआर पाटिल साहेब होय, आ बधाज लोको राष्ट्रना हित माटे जे भगीरथ कार्य करे छे, ये भगीरथ कार्य नी अंदर हूँ राम सेतु नी खिसकोली बनीने काम करवानो प्रयास करीश। हार्दिक पटेल अब देशभक्त हो चुके हैं और आने वाले दिनों में वो कपिल मिश्रा की तरह भारत में नफरत, दंगे और हिंसा की राजनीति करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी तो यही करती है और जैसा देश वैसा भेष। और हार्दिक तो भेष बदलने में अब बाहर हो चुके हैं, उन्हें कई साल का एक्सपीरियंस है, तो आने वाले दिनों में उनकी राजनीति अब शिफ्ट होगी। वो अमित शाह के लिए, मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, उनके नेताओं के लिए, गोरक्षा के लिए, मंदिर बनाने के लिए, मस्जिदों की खुदाई के लिए, इस तरह की बयानबाजी करते हुए आने वाले दिनों में आपको वो जरूर नजर आएंगे। तो जिन लोगों ने हार्दिक पटेल का समर्थन किया था, जिन लोगों को लगता था कि हार्दिक पटेल बीजेपी को गुजरात से उखाड़ फेंकेंगे और वो बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं गुजरात में, अब उनको मायूसी जरूर हो रही होगी, क्योंकि वो तो अब बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। पहले पाटीदार आरक्षण के नाम पर उन्होंने अपना नाम चमकाया और फिर गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए थे, और अब वहां को छात नहीं लगा तो मोदी जी के छोटे से सिपाही, शायद इतने से सिपाही बन गए हैं जिसे उनको अब लग रहा है कि बीजेपी में ही उनका उद्धार हो सकता है। जिस बीजेपी के खिलाफ पाटीदार आंदोलन खड़ा करके वो नेता बने, जिस बीजेपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी वजह से गई, जिस बीजेपी लीडरशिप को वो पहले गुंडा कहकर संबोधित करते नहीं थकते थे, और जिस बीजेपी ने उन पर देशद्रोह जैसा संगीन आरोप लगाया, उन्हें जेल भेजा, आज उसी बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया, मुमकिन है सारे केस भी हट जाएंगे। वैसे राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लोग ये संबंध बनाए रखते हैं, क्योंकि कोई इस डाल पर, कोई उस डाल पर, यहां से काम हो गया तो उधर। आप देखेंगे तमाम नेता आया राम गया राम वाली जो कहावत है वो सच साबित होती रहती है, वो मन मुताबिक और वक्त के हिसाब से पार्टियां बदलते रहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। इस नाते बीजेपी के कुछ नेता भी बाहें फैलाकर हार्दिक का स्वागत करते नजर आए। वैसे हार्दिक पटेल का सियासी सफर महज 7 साल पुराना है। पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अपने कड़े विरोध प्रदर्शन से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गुजरात की बीजेपी सरकार को हिला दिया था। बड़ा आंदोलन हुआ था अगस्त 2015 में, उसके बाद वो चर्चा में आए थे, राष्ट्रीय पटल पर छा गए थे। वैसे उन्हें एक सेक्स टेप के कारण भी खूब प्रसिद्धि मिली थी, वो किसी महिला मित्र के साथ होटल में थे जिसका वीडियो उनके किसी करीबी ने ही लीक कर दिया था, उस सीडी कांड के कारण भी वो काफ़ी मशहूर हुए थे, जो पाटीदार आंदोलन की वजह से उनको शायद नहीं भी जानते थे, वो भी उस टेप के लीक होने के बाद उनको जानने लगे थे। तो पॉपुलर तो हैं हार्दिक पटेल। साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और साल 2020 में उन्हें गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। और हार्दिक पटेल पर अभी फिलहाल कुल 23 मुकदमे हैं, जिनमें विरमगांव और देशद्रोह का मुकदमा शामिल है। बीजेपी की सरकार ने ही उनको राजद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा उन पर लगाया था। विरमगांव से ही वो आते हैं। हार्दिक पटेल पर आरोप है कि उन्होंने मैसाणा के जो विधायक है उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की, आगजनी की, और इस मामले में वो कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा उन पर देशद्रोह के 2 मुकदमे चल रहे थे। विरमगांव में चल रहे मुकदमे की वजह से ही वो साल 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे, क्योंकि उनके खिलाफ केस रहा था। वो इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल कहा है कि हां आप चुनाव लड़ सकते हैं। और हार्दिक पटेल ने अभी तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, फिर भी वो नेता हैं, लेकिन बीजेपी के टिकट पर आने वाले दिनों में वो चुनाव लड़ सकते हैं।
लेकिन कांग्रेस से हार्दिक पटेल इतने नाराज क्यों हुए? कांग्रेस से हार्दिक पटेल की नाराजगी की दो अहम वजह मानी जा रही है, क्योंकि हार्दिक पटेल खुद ही इस बात को बार बार कह रहे थे। हार्दिक पटेल का कहना था कि कम उम्र के चलते पार्टी में वो साइडलाइन कर दिए गए थे। उनके पास पद तो था, वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, लेकिन पद के मुताबिक कोई उनसे पूछ ही नहीं रहा था क्या फैसले होंगे, क्या कैंपेन होगा, किसको टिकट दी जाएगी। वो कह रहे थे मेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा, मेरे को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। और हार्दिक पटेल तो बड़े नाराज हुए थे, उन्होंने बहुत मतलब एक ऐसी बात कह दी थी जो मैं भी कह ही देता हूँ। उन्होंने कह दिया था कि मैं पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में मेरी स्थिति ऐसी होगी जैसे कि कोई नया दूल्हा हो जिसकी नसबंदी करा दी गई है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी अभी भी शादी हुई है, दुल्हन उसको मिली है, लेकिन उसकी नसबंदी करा दी गई है, वो तो मतलब इज़ गुड फॉर नथिंग। तो वो अपने आप को बता रहे थे कि मेरी तो कोई पूछ ही नहीं रहा, लेकिन अब शायद उनकी सारी नसें खुल गई हैं और वो अब बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी में जाने के बाद उनकी ज़्यादा पूछ होगी? क्या बीजेपी उन्हें गुजरात का प्रेसिडेंट या फिर कांग्रेस की तरह वर्किंग प्रेसिडेंट बना सकती है? क्या बीजेपी के वो नेता हार्दिक को स्वीकार करेंगे जिनकी कुर्सी हार्दिक की वजह से ही छिन गई थी, जिनके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ था? और क्या वाकई हार्दिक बीजेपी में रहकर अपने पाटीदार समाज का हक जो है वो उनको दिला सकते हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 2015 में हुए पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चेहरे के तौर पर हार्दिक का राष्ट्रीय पटल पर उभार हुआ था, देशभर में उनकी काफ़ी चर्चाएँ हुई, सुर्खियाँ बने। वो ये लग रहा था कि भाई 20-22 साल का जो लड़का है वो इतना बड़ा आंदोलन बीजेपी की गुजरात में, जो इतनी कहें कि प्रचंड बहुमत की सरकारें बना रही है, उसके खिलाफ एक नौजवान उठ खड़ा हुआ, तो काफ़ी एक विरोधी छवि के तौर पर हार्दिक पटेल को देखा गया था। पूरे गुजरात में ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था जिसने बीजेपी सरकार की नींद उड़ा दी थी, कुर्सी तक चली गई थी, वहां पर मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था। कुल 14 नौजवानों को उस आंदोलन में अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे, सैकड़ों लोग आज भी मुकदमे झेल रहे हैं। लेकिन क्या उनकी कुर्बानी और संघर्ष को हार्दिक पटेल ने ज़ाया कर दिया है? क्या वो खराब चला गया सब कुछ? क्या ऐसा करने से जो ऐसे जन आंदोलनों से निकलने वाले नेता हैं वो पहले मशहूर हो जाते हैं और फिर किसी विरोधी विचारधारा के सामने सरेंडर कर देते हैं, तो क्या इससे लोगों का भरोसा नहीं टूटेगा? क्या इससे ये नुकसान नहीं होगा कि फिर आने वाले दिनों में अगर कोई नौजवान इस तरह के आंदोलन से निकलेगा, लीड करेगा, तो लोग उस पर भरोसा ही नहीं करेंगे? क्योंकि 14 नौजवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बीजेपी की सरकार ने बहुत क्रूरता से उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी, आगजनी और तमाम तरीके के कहीं की बल प्रयोग उन पर हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, वो तस्वीरें बहुत डराने वाली थी, लोगों की मौत हुई, शहीद हुए, मुकदमे झेले, जेल गए, करियर बर्बाद हो गए। लेकिन हार्दिक पटेल उसके नेता के तौर पर उभरे और लेकिन जिस बीजेपी का विरोध करते हुए आए थे, अब वो उसी बीजेपी में चले गए हैं। तो ऐसे में ये जो भरोसा टूटा है उसकी भरपाई कौन करेगा? वैसे हार्दिक के आने से बीजेपी वालों के मन में भी हार्दिक को लेकर आशंका जरूर होगी, क्योंकि उनके पिछले सारे बयान जो हैं, जो काम है, वो बीजेपी वालों के दिल में फांस की तरह जरूर चुभ रहे होंगे। क्योंकि कहते हैं कि घाव भर जाते हैं, लेकिन जो शब्दों के घाव होते हैं, जो किसी को ताना, गाली, आरोप, प्रत्यारोप, इस तरह की जो बातें, शब्दों के जो घाव हैं वो नहीं भरते। इसलिए ये जो उनके शब्द हैं उनका जिक्र करना ज़रूरी है, जो शायद बीजेपी वालों को ज़रूर चुभ रहे होंगे। 2015 में हार्दिक ने कहा था कि वो बीजेपी के सामने कभी सरेंडर नहीं करेंगे, कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, अपन झुकेगा नहीं वाला टाइप उन्होंने बोला, कभी नहीं करेंगे, लेकिन कर दिया। अब देखिए वो कैसे लेट गए हैं, सरेंडर तो छोड़िए, वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। 2016 में उन्होंने बीजेपी से बदला लेने की बात कही थी कि अब तो बदला लेंगे हमारे साथ, जो हमारे पाटीदार समाज के साथ इन्होंने किया, गुजरात की जनता के साथ वो किया, उसका बदला लेंगे। और 2017 में भी उन्होंने मोदी का लगातार विरोध किया, बहुत सारी जगह पर वो बयानबाजी करते थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ ज़बरदस्त बयानबाजी करते थे। 2018 का बयान आपको याद करना होगा, जब उन्होंने कहा था कि मोदी जो हैं वो पब्लिसिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि ये तो प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री है ही नहीं, क्योंकि लगातार ऐड करता रहता है, कभी इधर कभी उस देश में, कभी कहीं प्रचार मंत्री है, करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं, पब्लिसिटी मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री वाला कोई काम ही नहीं कर रहे। और 2019 के लोकसभा चुनाव में तो हार्दिक ने सारी हदें पार कर दी थी, वो कह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री चाहिए, चौकीदार तो नेपाल से ले आएंगे, उनके पास है, ये तक कह दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। और 2020 में जब कोविड की शुरुआत हुई और फिर 2021 में भी वो पूछ रहे थे कि कौन है मोदी, कहाँ है मोदी, वो प्रधानमंत्री कहाँ है, वो कुछ काम नहीं कर रही, ये ऐसे बयान वो दे रहे थे। लेकिन साल 2022 आते आते वो मोदी के छोटे से सिपाही बनकर खुश हैं, उन्होंने कहा कि मैं मोदी का छोटा सा सिपाही बनके काम करूंगा। इसे आप सत्ता का लालच कहेंगे या फिर मुकदमों का डर, जेल जाने का डर या पद की लालसा, आप इसको क्या कहेंगे, है ना, वो आप खुद ही तय कर लीजिए। क्योंकि मैं आपको ज्ञान दूं, इससे अच्छा है कि आप
अपना ज्ञान खुद दें, ताकि हमें भी पता चले कि जनता इस मसले को कैसे देख रही है। क्योंकि एक जन आंदोलन से निकला हुआ नेता, जिसकी सारी राजनीति, जिसका सारा करियर बीजेपी के विरोध में था, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की जो राजनीति है, उसके खिलाफ वो बयानबाजी करके हीरो बने, पॉपुलर हुए, लेकिन अब उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो ये जो भरोसे की कहें कि इसमें टूट गया है भरोसा, उसकी जो भरोसे की रस्सी थी, डोर थी, उसको तोड़ दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इससे आने वाले दिनों में बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि गुजरात में पाटीदार समाज एक बड़ी आबादी है, काफी मजबूत समाज माना जाता है, लैंड ओनिंग कम्युनिटी है, ये माना जाता है कि जिसके साथ जाएंगे सरकार बना देंगे। तो क्या अब वो पाटीदार समाज अपने ऐसे नौजवान नेता के ऊपर भरोसा करेगा जो उनके कहें कि चेहरों की बदौलत नेता बना, उनकी राजनीति करके नेता बना, 14 पाटीदार नौजवानों ने अपनी शहादत दी, उनको लेकर वो नेता बना, और अब वो जिसके खिलाफ वो नेतागिरी कर रहे थे, जिसके खिलाफ वो लोगों की सहानुभूति और उनका कहें कि इमोशंस के साथ वो अटैचमेंट कर रहे थे, उन्हीं को धोखा दे दिया है, और जिसके खिलाफ वो पूरा का पूरा काम कर रहे थे, उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं। क्या इससे पाटीदार समाज उनको माफ करेगा, उनके साथ जाएगा? आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा या कांग्रेस को नुकसान होगा, कि इसको आप कैसे देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, वो कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और हार्ट वाला आइकन भी देते हैं। जो अच्छा कमेंट करता है, जो गाली देता है, उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम हेटर्स के मुंह नहीं लगते। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें, आप अपनी राय दें, हम उसको पढ़ेंगे। और आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हार्दिक पटेल की तरह कहीं आप हमारा चैनल देख लें, सारा वीडियो देख लें, और कहीं दूसरे आदमी का जाके सब्सक्राइब कर लें, ऐसा मत कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको सारी खबरों के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएं। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।